जो ये सेशन हुआ उसमें सरकार जो है हर समय भागती दिखाई दे, बचती दिखाई दी है, किसी का भी जो है जवाब या एटीट्यूड ठीक नहीं था जो संतुष्ट करता हो। हर सवाल को अवॉइड करना, डिस्कशन को अवॉइड करना, जैसे हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन थे वो नहीं उन्होंने लिए, दो थे मुख्य तौर पे हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन, एक तो कानून व्यवस्था पे इंक्लूडिंग नू का जो है, और दूसरा फ्लड के फ्लड से डैमेज हुए, एक तो कॉलिंग अटेंशन मतलब बदल दिया और एक लिया ही नहीं, क्या सब जुडिस है, सब जुडिस का है वो, हमने कहा उसमें सब जुडिस नहीं है, वो तो एक हाई कोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर जो चलाया है उसकी स्टे थी, डिस्कशन हुई नहीं होने दी, बाहर जाके कुछ कुछ बयान देने लग जाते हैं। तो मेरे वास्ते मैंने हाउस में भी कहा था कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश है, अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है ये कौन पता करेगा, हाई कोर्ट के जज के द्वारा मांग करी वो इन्होंने मानी, तो अभी मेरा यही है अगर सही पता करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि पता लग जाए कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है, सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहाँ पर एक हफ्ते से पहले बल्कि 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था कुछ शरारती तत्वों द्वारा, व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तरफ से, सरकार ने उसका क्यों नहीं ध्यान दिया, जबकि CID ने कहा था भी अंदेशा है। निभाने तो नहीं निभाई बल्कि वैसे ही अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों पे बात टालने की कोशिश की जा रही है, तो इसी वास्ते दूध का दूध पानी का पानी हो, हाई कोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए वहाँ उसका तो ये मुद्दा है। रोज बहुत सारे मुद्दे उठाए, जैसे एक ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है PPPV, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन पहचान पत्र के लिए वो मैंडेटरी रख दिया, ऐसे बहुत सारे मतलब साहब ने बताया, तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसी वास्ते मैंने कहा था भाई सिलेक्ट कमेटी में दिया जाए, पता लग जाए, कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से ये इन्होंने चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सका, इतने अड़ंगे डाल रखे हैं कोई पहचान ही नहीं बना सकता, कहीं बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे, कहीं कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसिस करवाओ, हम तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको कास्ट सेंसिस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ में नहीं आया, इसे कहते लाल डोरा हमने ख़त्म कर दिया, मैंने कहा असेंबली में भाई एक भी सिजरा दिखा दो जहाँ लाल डोरा ख़त्म हुआ हो, उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहाँ वो काबिज हैं वो तो पहले से मालिक हैं, अब पंचायत को क्या अथॉरिटी है भाई, मालिक ही नहीं है पंचायत, तो उनको वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास कि जी इन लोगों ने कर्जा ले रखा, तो एक भी बैंक नहीं, सब प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी, तो ऐसा काम किया। और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें परिवार पहचान पत्र में तो इन्होंने दिखाया भाई
किसी की आमदनी कितनी, गरीब आदमी की 10 करोड़, 10 करोड़ वाले की 1,80,000, इस प्रकार से अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया, कितनी अनियमितताएं हैं। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, सीईटी, आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि 2 लाख स्थायी पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का को करके एक नया तरीका लगा दिया, ये सबसे आसान तरीका है जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करने की जरूरत। जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल पिछला पेपर देख ले, 40-40 पे क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं, क्या तमाशा मना रहे हैं।